सास के मेहमान। सिमर की सास की सारी जिंदगी किराए के मकान में ही बीती, लेकिन जब बेटा कमाने लायक हुआ तो उसने अपना बड़ा मकान बनाया। क्या है माँ इतनी लंबी लिस्ट मेहमानों की? गृह प्रवेश है सिर्फ, शादी में तो तुमने इन लोगों को बुलाया ही था ना? अरे बेटा, तुम्हारे पिता और मैंने तो सारा जीवन घर नहीं बनाया, ये सोच कर कि पैसा घर में लगा देंगे तो तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। अब बेटा घर जैसी खुशी में मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन लोगों के साथ मैंने पूरा जीवन काटा। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? बुआ जी, चाची जी, उनकी बेटियाँ, ससुराल वाले सभी तो आ रहे हैं। मैंने उनकी लिस्ट सुमन से पूछकर तैयार कर ली है। हाँ बेटा, ये लोग तो रिश्तेदार हैं। इन लोगों को तो बुलाना ही है, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं किराए के मकानों में रही, वो मकान मालिक, वो पड़ोसी, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। माँ लेकिन वो नीलम आंटी को तो मत बुलाना, बड़ा ही लो स्टैंडर्ड साउंड करती है वो। हाँ माँ, और वो किरण को भी, उनका पति और बेटा खाते कितना है? और नहीं तो क्या, शादी में भी 2000 रुपए वाली प्लेट में दनादन खा रहे थे। माँ कुछ नहीं बोलती, कमरे में चली जाती है। तुम्हारी माँ के तो चोचले ही अलग है, न जाने लोगों को क्या बताना चाहती है। अरे आस पड़ोस को तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि रिश्तेदार। हाँ जानता हूँ माँ को, वो किसी से जुड़ती है तो दिल से जुड़ती है। वैसे बात करता हूँ सर। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सास को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लग रहा है कि गुस्सा होकर सो गई, कपड़े भी अपने बाहर फेंक कर गई है। बहू है ना, नौकरानी जैसी, कर लेगी काम। बड़बड़ करती बहू सास के कमरे में जाती है और कपड़ों को उनकी अलमारी में रखती है कि तभी उसके हाथ में एक एल्बम और कुछ खत लगते हैं। अरे ये क्या है? बहू एल्बम देखती है जहाँ नीलम आंटी और सास के साथ छोटा सा उसका सुमन खड़ा होता है। इनके बचपन की फोटो। वो सारी फोटो देखकर जब खत को खोलती है तो वो किरण का होता है। बहू खत पढ़ने लगती है। खत में लिखा होता है, तू पैसे की चिंता ना कर, सुमन के पढ़ाई में कोई कमी ना हो, हम पड़ोसी नहीं बहने हैं। तभी सास जग जाती है। अरे बहू क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? बहू बात घुमा देती है। माँ जी वो इनकी फोटो देख रही थी नीलम आंटी के साथ, कितनी सुंदर लग रही है ना आंटी। हाँ, दिखा तो जरा फोटो। बहू सास को फोटो देती है। सास फोटो देखकर कहती है, याद आता है तेरे ससुर जी तो थे नहीं, काम के लिए 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे जब बेटा होने वाला था, तब नीलम आंटी और अरुण अंकल ही थे। आंटी बेचारी रात भर मेरे साथ बैठी रही तो अंकल भाग भाग कर दवाई का इंतजाम कर रहे थे। बेटे के होने के बाद भी जब तक मैं घर नहीं आई मेरे पास ही रहे, रिश्तेदार तो आए थे मुंडन में 10 दिनों के बाद। बहू सुनकर खुश होती है, तभी नजर खत पर पड़ती है। माँ ये किरण आंटी को आपने पैसे वापस कर दिए? हाँ वो भी समझ कैसे कैसे किए मैं ही जानती हूँ, सुमन के पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी, रिश्तेदारों ने तो साफ बोल दिया था कि किसी होटल में काम पर लगा दो, कई लोग बर्तन धोने के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन किरण आंटी उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाए हुए पैसों को सुमन की पढ़ाई के लिए दे दिए। यानी कि आज ये जो कुछ भी है वो किरण आंटी के कारण ही ना? हाँ बहू, ऐसे ऐसे पड़ोसी हुआ करते थे जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि अपनेपन से भरे थे। फिर सास का बोलने का रुख तीखा हो जाता है। और फिर भी देख सुमन इन लोगों को भी नहीं बुलाने दे रहा है। माँ मैं बात करती हूँ, ये लोग सिर्फ आएंगे ही नहीं, हम लोगों के साथ रुकेंगे भी घर में, रिश्तेदारों की तरह। सास बहू बेटे से पूछकर एक एक घर जाकर पड़ोसियों को एक दिन रहने का न्योता दे आते हैं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में गृह प्रवेश होता है। अरे हम लोगों का कमरा कहाँ है? बड़ा कमरा देना हम लोगों को, खुला खुला। सुमन परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ किसका सामान रखे, कि वहीं किरण पड़ोसन आ जाती है। अरे सुमन परेशान ना हो बेटा, हमारे कमरे में रख दो उन लोगों का सामान, हम तो तेरी माँ के साथ ड्राइंग रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारा कमरा कहाँ है? सुमन
जरा सामान कमरे में तो रखवा दो। अरे ये क्या, मेरे कमरे में तो सफाई ही नहीं है। अरे बता देती सुमन, हम कहीं और रह लेते। तभी वहाँ नीलम झाड़ू लेकर आ जाती है। अरे बबली दीदी कैसी बात कर रही है, चलिए मैं साफ किए देती हूँ कमरा। वहीं मामी जी भी आ जाती हैं। अरे सुमन दीदी, सबसे छोटा कमरा हम लोगों को ही देना था क्या, मायके की कोई परवाही नहीं है। वो मामी जी, किरण आंटी और नीलम आंटी की फैमिली एक ही कमरे में है ना, तो इसलिए आप और मामा दो ही तो लोग हैं। तो मामी तो बहू के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरे वाह जी वाह, बहू की जुबान तो देखो कितना बोल रही है, इतना बोलने वाली बहुएं भी होती है क्या। अरे रहने दो, जब मेरी बहन ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो किसी और से क्या उम्मीद करें। दोनों सामान पैक करके घर से निकल ही रहे होते हैं कि नीलम आ जाती है। अरे राकेश भैया, मैं भी सुमन की तरह ही तो हूँ, आप तो हम लोगों को इतने साल से जानते हैं। हाँ, तुम लोग तो मेरी बहन से चिपकी रही गोंद की तरह। खैर कोई बात नहीं, रहो बड़े कमरे में। तभी अरुण वहाँ आ जाता है जो नीलम का पति है। अरे अरे भाई साहब, थोड़ा तो वक्त दीजिए, हम सारे छोटे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सारे पड़ोसी छोटे कमरे में चले जाते हैं और मामा मामी बड़े कमरे में। बहू चाची के कमरे से बाहर निकल रही होती है कि देखो कैसे बड़ा मकान बनाकर इतरा रही है। अरे जब हम लोगों ने कहा था कि घर बनवा लो, तब तो लड़के को पढ़ाने की पड़ी थी, इतना पैसा रखी थी, महंगे कॉलेज में पढ़ाया, तब बात मानी होती तो सस्ते में मकान बन जाता। बहू आगे जाती है जहाँ दोनों पड़ोसन भी आपस में बात कर रही थी। मानना पड़ेगा सुमन को, बहुत ही समझदारी के साथ चली, बच्चों की जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा, रिश्तेदारों के साथ भी पूरा निभाया, नहीं तो आजकल के रिश्तेदार। अरे सुमन के लिए तो हम हमेशा ही खड़े हैं। बहू तभी मामी के पास जाती है जहाँ वो मामा से कह रही होती है, बस अब आ गए इसके घर, अब तो ये रो रो कर भी बुलाएगी तो मैं ना आऊं। कैसे कमरे में रखा हम लोगों को, सुमन भी ना किसी काम की नहीं है। बहू सभी को देख समझ रही थी, रिश्तेदारों के नखरों के बीच पड़ोसियों का प्यार वो देखकर समझ जाती है कि सास के असली मेहमान कौन है।